अंश अजीब तरह से मुस्कुराया और उसे ऐसे शौक देखकर उसने उसकी नाक पर टच किया और बोला, तुमने सही सोचा था, मैं तुम्हें किस ही करने वाला था। कहते ही उसने फिर से अपने होठों को सोना के होठों पर रख दिया, लेकिन अगले ही पल उन्हें उनके कानों में किसी के खांसने की आवाज आई। अंश जल्दी से सोना से दूर हट गया। उसने देखा दीप, शौर्य और पीहू दरवाजे पर खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे, जैसे वे सब ये दिखाना चाह रहे हों कि उन्होंने अभी अभी जो हुआ वो नहीं देखा। अंश सोना से दूर हट गया। वे तीनों अंदर आ गए। पीहू सोना के पास आते हुए बोली, देखकर लग रहा है अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है भाभी। सोना ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य ने अंश से कहा, हाँ और ये भी दिख रहा है कि अब सब कुछ ठीक है, क्यों अंश? अंश ने उसे घूर कर देखा। शौर्य ने कहा, अरे यार तुम मुझे ऐसे मत घूरो, तुम दोनों जिस तरह अभी एक दूसरे को कहते हुए वो अपना गला साफ करने का नाटक करने लगा। अंश को उसके ऐसे चिढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सोना जरूर शर्मा गई। इसी तरह तीनों ने सोना से उसका हालचाल पूछा और उन दोनों के साथ बैठकर बातें करने लगे। तभी अंश का फोन टेबल पर रिंग करने लगा। अंश ने देखा वो क्रिश का कॉल था। उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, सभी प्लान्स कैंसिल कर दो, मैं कुछ दिन घर से ही काम करने वाला हूँ। ये कहने के बाद उसने फोन काट दिया। उसने सबको देखा जो उसे ही देख रहे थे। कुछ देर बातें करने के बाद पीहू, दीप और शौर्य वहाँ से चले गए। दवाई की वजह से सोना सो गई और अंश कमरे में ही सोफे पर बैठकर काम करने लगा। काम करते हुए दोपहर के एक बज गए। अंश ने सोना को देखा, सोना अभी भी सो ही रही थी। उसने लैपटॉप बंद किया और उसके पास आया। वो उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। उसके चेहरे पर बने खरोंच के निशानों को देखते हुए उसे कल का मंजर याद आया, कल किस तरह सोना ने एक आदमी की जान ली थी। उसने कहा, तुम सच में बहुत बहादुर हो बीवी। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद उसने उसे जगाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा। वो उसे शेक कर पाता उससे पहले अंश के हाथों के छुअन से चौंक कर सोना जाग गई। उसके चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसने अंश को अपने सामने देखा तो गहरी सांस ली। उसने कहा, ओह आप, हम तो डर ही गए थे। ये कहते हुए वो उठने की कोशिश करने लगी। अंश ने उसे बैठने में मदद की और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, हम साथ में लंच करेंगे। सोना ने हाँ में सर हिलाया ही था कि नीलिमा कमरे में आई। उसने सोना को जागते हुए देखा तो कहा, अच्छा हुआ तुम जाग गई, मैं तुम दोनों को खाने के लिए बुलाने आ रही थी। सोना ने कहा, माँ हम पहले बात लेना चाहते हैं, हमें बहुत अजीब महसूस हो रहा है। नीलिमा हाँ में सर हिलाते हुए बोली, ठीक है चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ये कहने के बाद उसने सोना का हाथ पकड़ा और उसे बेड से खड़ा करके वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन सोना के पैर में दर्द होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। अंश जो उसे ही देख रहा था वो उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधा वॉशरूम में चला गया। नीलिमा ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन सोना अंश की इस हरकत पर शर्मा गई। उसने अपना चेहरा अंश के सीने में छिपा लिया। अंश ने सोना को वॉशरूम में लाकर टेबल पर बैठा दिया। नीलिमा पीछे से अंदर आते हुए बोली, आई थिंक तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, अंश तुम्हारी मदद कर देगा। नीलिमा की बात सुनकर सोना ने अपने लिप्स को बाइट कर लिया और सर नीचे झुका लिया। अंश इधर उधर देखते हुए बोला, नो मॉम मुझे कुछ काम है, आप इसकी मदद कर दो, और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद नीलिमा हंसने लगी। कुछ देर बाद नीलिमा सोना को बाहर ले आई। उसने उसे बेड पर बैठाया और कबर्ड से कपड़े लेकर आई। उसने उसे कपड़े पहनाए और मेड को खाना लेकर आने के लिए कहा। कुछ देर बाद नीलिमा ने सोना को खाना खिलाया और उसे दवाई देकर कमरे से बाहर चली गई। अंश लंच करके स्टडी रूम में चला गया। सोना फिर से आराम करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। पीहू और शिवी सोना के कमरे में आई। सोना बेड पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। शिवी उसके पास आकर उसके हाथ से बुक लेते हुए बोली, भाभी आप कितनी देर तक कमरे में बैठी रहेंगी, चलो हमारे साथ। ये कहने के साथ ही उसने बुक को साइड में रखा और सोना का हाथ पकड़कर उसे उठाने लगी। सोना ने कंफ्यूज होकर उन्हें देखा और कहा, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? पीहू ने कहा, शिवी और भाई की सगाई की वीडियो देखने, अब आप चलो हमारे साथ। ये कहने के बाद उसने सोना का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वो दोनों उसे ले जाने लगी, लेकिन उसके पैर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसी वक्त अंश स्टडी रूम से बाहर आया। उसने शिवी और पीहू को सोना को कहीं ले जाते हुए देखा तो पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? पीहू और शिवी ने अंश की आवाज़ सुनी और उसे देखने लगे। पीहू ने कहा,
वो भाई सगाई की वीडियो आ गई है, हम बस भाभी को उसे दिखाने के लिए ले जा रहे थे। अंश ने सोना को देखा जो अपने पैर के दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया और ज्यादा सोचे बिना सोना को अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर चला गया। शिवी और पीहू ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए उनके पीछे चली गयी। अंश सोना को लिविंग रूम में लेकर आया। उसने देखा घर के सभी लोग वहां मौजूद थे। नीलिमा, राजन सिंह, शिवा, करण, शौर्य, दीप और नालंदा मौजूद थे। रिहान टीवी में ड्राइव सेट कर रहा था। सबने सोना और अंश को आते हुए देखा और फिर एक दूसरे को देखने लगे। सबकी नजरों को अपने ऊपर महसूस करके सोना ने अपना चेहरा शर्म की वजह से अंश के सीने में छुपा लिया। सबने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे। अंश ने सोना को लाकर सोफे पर बैठाया और उसके पास बैठ गया। रिहान ने ड्राइव सेट करके लिविंग रूम की सारी लाइट ऑफ कर दी ताकि वो सब अच्छे से सब कुछ देख पाए। सब अपनी जगह पर बैठ गए और सगाई की वीडियो दीवार पर टंगी बड़ी सी टीवी स्क्रीन पर चलने लगी। मेड्स उनके लिए पॉपकॉर्न और कुछ स्नैक्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी लेकर आ गई। शिवा वीडियो में नीलिमा को देखते हुए बोले, एक बात कहूँ, भले ही उस दिन बच्चों की सगाई थी लेकिन असली कहर तो हमारी बेगम साहिबा ही ढा रही थी। नीलिमा ने ये सुना और वो शर्मा गई। रेहान जो नीलिमा के पैरों के पास जमीन पर बैठा था उसने ये सुना और कहा, हाँ डैड, मैंने भी आपको देखा था, कैसे आप उतने लोगों के बीच से मॉम को चोरी चोरी देख रहे थे। रेहान की बात सुनकर नीलिमा ने उसके कंधे पर मारा और कहा, बदमाश। सब हंसने लगे। तभी वीडियो में अंश आता हुआ दिखाई दिया। रेहान ने कहा, वैसे अंश भाई तो कमाल के लग रहे थे, आपने देखा जब वो अपने ब्रोच पिन को एडजस्ट कर रहे थे तो कैसे पार्टी की सारी लड़कियां उन्हें ही देख रही थी। पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ क्योंकि वो अंश भाई थे बुद्धू, उनकी जगह पर तू होता तो तुझे कोई भी नहीं देखता। रिहान उसके बाल को पकड़ कर खींचते हुए बोला, तू तो चुप ही रह, खुद की शक्ल चुड़ैलों वाली है, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। पीहू ने गुस्से से उसके हाथ पर मारा। दीप उसे चुप कराते हुए बोला, तुम दोनों चुप रहो, जब देखो तब झगड़ते रहते हो। पीहू और रिहान ने एक दूसरे से अपना मुंह फेर लिया। सभी आगे का वीडियो देखने लगे। तभी आगे का वो मोमेंट आया जहां पियानो की धुन पर सोना और अंश एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। नीलिमा ने कहा, देखो तो इन्हें, ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर अंश ने सोना को अपनी आँखों के कोने से देखा। सोना अपना सर झुकाकर अपने हाथों को देख रही थी। रिहान ने कहा, हाँ भाई और भाभी का तो कोई जवाब ही नहीं था, पार्टी में सबसे शानदार तो ये दोनों ही लग रहे थे। इनका डांस देखकर मुझे भी डांस करने का मन कर रहा था लेकिन मेरी कोई पार्टनर ही नहीं थी। ये कहते हुए उसने अपना मुंह बना लिया। शिवी ने कहा, तब डांस नहीं कर पाए तो क्या हुआ रिहान भाई, अभी आप डांस कर सकते हैं पीहू के साथ। पीहू ने ये सुना और तेज आवाज में बोली, डांस, वो भी इसके साथ, कभी नहीं। वो ये कह ही रही थी कि रिहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठाते हुए बोला, हाँ हाँ शिवी, ये तूने बहुत अच्छा कहा, मुझे अभी भी डांस करने का मन कर रहा है। ये कहते हुए उसने पीहू को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब करते हुए उसके साथ डांस करने लगा। पीहू उससे दूर जाने की कोशिश करते हुए बोली, रिहान आई स्वेयर, अगर तूने मुझे गिराया तो तुम्हारी खैर नहीं। रिहान ने कहा, हाँ हाँ अब अपना मुंह बंद कर और बस डांस एंजॉय कर। ये कहते हुए वो दोनों सोना और अंश के डांस का वीडियो देखते हुए उनके डांस स्टेप्स मैच करने लगे। लेकिन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा जो था, इसलिए चाहकर भी वो दोनों अंश और सोना की तरह डांस ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ऐसे डांस करते देख सब उनके लिए ताली बजा रहे थे। शिवी तो उनका उल्टा पुल्टा डांस देखकर हंसते हंसते पागल ही हो गई थी और सोना का भी कुछ यही हाल था, वो उनका फनी डांस देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। अंश ने उसे हंसते हुए देखा तो उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ सोना के कंधे पर रखा तो सोना हंसना बंद करके उसे देखने लगी। अंश ने उसी तरह उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। सोना उसकी आंखों में देखने लगी। टीवी से आ रही रोशनी में दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। एक दूसरे को देखते हुए दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। इधर रिहान ने पीहू को गोल घुमाया और एक लास्ट पोज बनाते हुए रुक गया। सबने ये देखा और ताली बजाने लगे। ताली की आवाज सुनकर सोना और अंश का ध्यान टूटा और वे दोनों इधर उधर देखने लगे। तभी रिहान ने पीहू को छोड़ दिया और पीहू खुद को संभाल नहीं पाई और वो धड़ाम से गिर गई। उसके गिरते ही सब शांत हो गए और तभी सबके कानों में सोना के हंसने की आवाज आई। सोना जोर जोर से हंसने लगी और अंश उसे देखने लगा। उसे हंसते देख सभी लोग हंसने लगे और पीहू रिहान को गाली देते हुए बोली, रिहान बेवकूफ इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और वो उसके पास आकर उसे मारने लगी।
रेहान खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीहू उस पर चढ़ गई। सभी लोग एक बार फिर से रेहान और पीहू की लड़ाई देखकर अपना सर हिलाने लगे। तभी वीडियो में सम्राट को नए CEO बनाए जाने की अनाउंसमेंट का मोमेंट आया। रेहान ने कहा, वैसे डैड ने सम्राट भाई को CEO बनाकर अच्छा किया। अंश भाई के जितना तो नहीं, लेकिन वो भी बहुत कमाल के हैं। शिवा ने ये सुना और अपने बड़े बेटे को डिफेंड करते हुए कहा, तुम गलत हो रेहान, सम्राट अंश से किसी भी तरह कम नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं उसे CEO कभी नहीं बनाता। तभी सबने देखा वीडियो में करण और सम्राट एक दूसरे से कुछ बातें करते नजर आ रहे थे। करण ने ये देखा और उसकी आंखें गहरी हो गई, क्योंकि वो वही मोमेंट था जिसमें बार में बैठकर सम्राट करण को प्रवोक कर रहा था। क्या सम्राट और करण की सच्चाई आ जाएगी सामने? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड 5 सिर्फ पॉकेट।